स्टूडेंट्स, आज को हमारा लेक्चर फिनिश करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, यानी किस तरह से हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज. नंबर वन पॉइंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संकुलों का स्थायित्व, है ना. यानी हम HSCP प्रिंसिपल से किस तरह से समझाएंगे कि संकुल किस तरह से स्थायी है और किस तरह से अस्थायी है. आप एक काम करिए बच्चों, एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चन में लिखिएगा, राइट. लिखिए क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों कि दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन. या फिर आप किस तरह से लिख लीजिए, एक्सप्लेन वाई द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ HSCP प्रिंसिपल, है ना. इसका एक पॉइंट लिखिए, एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों AgI2 इज फॉर्म्ड एंड मोर स्टेबल वेयर एज AgF2 इज लेस स्टेबल. यानी समझाइए क्यों कि AgI2 बनता है और ज्यादा स्टेबल है जबकि AgF2 कम स्टेबल है. गॉट इट. तो हमारा वही नियम याद रखिए, कौन सा, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल. और हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो आप मेरी बात समझ गए क्या कि सिल्वर प्लस वन इज अ सॉफ्ट एसिड, आयोडाइड माइनस इज अ सॉफ्ट बेस, और इसी वजह से सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड फ्लोराइड, बिकॉज सिल्वर इज अ सॉफ्ट एसिड बट फ्लोराइड इज अ हार्ड बेस. गॉट इट. तो हर जगह हमारा एक्सप्लेनेशन यही रहेगा, क्या रहेगा कि जब हार्ड हार्ड से बना है तो वो स्टेबल है और जब सॉफ्ट सॉफ्ट से बना है तो भी स्टेबल है, लेकिन हार्ड 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 का सॉफ्ट के साथ और सॉफ्ट का जो हार्ड के साथ कॉम्बिनेशन है वो अनस्टेबल है. ओके. तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लिया है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों का स्थायित्व, और हमने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है. नंबर वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई AgI2 माइनस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू AgF2 माइनस. ओके. राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन इन द अंडर द सेम हेडिंग, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. यानी हम पहला ही पॉइंट ले रहे हैं, उसका सेकेंड क्वेश्चन में लिखवा रही हूं आपको. लिखिए, निम्नलिखित संकुलों का स्थायित्व HSCP सिद्धांत से समझाओ. एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ HSCP प्रिंसिपल. ओके. तो देखो, ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, मेरे साथ लिखिए और अपने आप समझ के बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, है ना. ये फर्स्ट एप्लीकेशन का सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है. ओके. इसमें मैंने लिया है ये फ्लोराइड, है ना. तो इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना आ गया, 2+. एंड सेकेंड में हमने क्या लिया है, फ्लोराइड की जगह ले लिया क्या, आयोडाइड, ठीक है ना. अब कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना हो गया बताइए, 2+. ओके. बताइए क्या, ध्यान से सुनिएगा कि हमें ये, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सिम्बायोसिस. याद करिएगा, पढ़ाया था मैंने सहजीवन पे. अगर किसी केंद्र से पहले से ही कठोर समूह जुड़े हैं तो आने वाला लिगेंड भी क्या होगा, कठोर होगा. और अगर किसी केंद्र से पहले से ही मृदु समूह जुड़े हैं तो आने वाला जो लिगेंड होगा वो मृदु होगा. तो आप समझ गए क्या कि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है, सो ये एक हार्ड बेस है, फ्लोराइड एक हार्ड बेस है. ओके. और कोबाल्ट तो आपको वैसे ही पता है एक हार्ड एसिड है ना. सिमिलरली कोबाल्ट +3 हार्ड एसिड, अमोनिया इज अ हार्ड बेस, बट आयोडाइड इज अ सॉफ्ट बेस. याद आया बोलो क्यों, क्योंकि आयोडाइड का आकार बड़ा होता है, आसानी से ध्रुवित होता है, जो बड़ा है जो आसानी से ध्रुवित होता है वो मृदु होता है. क्लियर है. तो आप समझ गए क्या कि सिम्बायोसिस का सिद्धांत ये कहता है कि इफ ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप्स आर हार्ड देन इनकमिंग लिगेंड जो होता है वो भी क्या होना चाहिए, हाँ, मींस दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन. गॉट इट. तो आप एग्जाम में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि क्या इसके पीछे लॉजिक है ना, शॉर्ट में मत लिखिएगा. इसी तरह से देखिए, मैं इसका रिवर्स कर रही हूँ, आप खुद ही गेस करें जल्दी से और मुझे बताएं विच वन इज मोर स्टेबल. लुक हियर, हियर द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -3 बिकॉज ऑल द 6 लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके.
सोचिए भाई विच वन इज मोर स्टेबल. ओके बताइए. इन केस ऑफ साइनाइड यहां से देखिएगा इट इज अ एम्बाइडेंटेट लिगेंड. एक उभयतंतुक लिगेंड होता है जिसमें कार्बन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है. बट हियर द बॉन्डिंग इज थ्रू द कार्बन. ओके एंड सिंस कार्बन इज अ सॉफ्ट बेस, याद करवाया था ना, देखो जिसमें नाइट्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड रिमेनिंग आर द सॉफ्ट. तो ये सॉफ्ट बेस है राइट. और इधर आप देखिए फ्लोराइड वाला साइड क्या है, हार्ड बेस है ना. और कोबाल्ट आपको पता ही है क्या है, हार्ड एसिड. सिमिलरली हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट बेस. बताइए विच वन इज मोर स्टेबल. सेकेंड वन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन. यानी जिसमें आयोडाइड है वो ज्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि सिंबायोसिस क्या कहता है कि आने वाला सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से जुड़ना पसंद करता है जिस पर पहले से ही सॉफ्ट जुड़े हो. तो ये सॉफ्ट हुआ और ये आने वाले क्या है, ये जुड़े हुए क्या है, सॉफ्ट है. हेंस दिस वन इज मोर स्टेबल. गॉट इट. अब इसी तरह से आपके और एग्जाम्पल लीजिए. थर्ड एग्जाम्पल दे रही हूं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोडियम. ओके रोडियम पे पांच लिगेंड हमने अमोनिया के लगाए. एक ने मैंने थायोसाइनाइड HCl S लिखा है. सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इज 3 तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, आप 2+. ओके है ना. अब सेकेंड कॉम्प्लेक्स मैंने रोडियम का लिया है Cl, बट द बॉन्डिंग मोड इज डिफरेंट. सिंस थायोसाइनाइड इज अ एम्बाइडेंटेट लिगेंड सो हियर बॉन्डिंग इज थ्रू द सल्फर एटम. ओके सोचिए बताइए मुझे विच वन इज मोर स्टेबल. गॉट इट. क्या सिंस अमोनिया इज अ हार्ड बेस. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू नाइट्रोजन विच इज अ हार्ड सेंटर. तो यही कारण है कि इनकमिंग लिगेंड भी उस साइड से बॉन्ड बनाएगा जो कि उसका हार्ड साइड हो. तो हार्ड क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन. इसलिए थायोसाइनाइड में जो है नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी और दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंड वन. गॉट इट है ना. क्यों? क्योंकि यहां पर ये तो हो गए आपके क्या, हार्ड बेसिस. लेकिन सल्फर वाली जो साइड है वो सॉफ्ट बेस है. क्यों बताइए? क्योंकि द साइज ऑफ सल्फर इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन हेंस इट इज मोर पोलराइजेबल. गॉट इट. और यही रीजन है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स. ये मैं आपको बताई चुकी हूं. रोडियम इज अ बॉर्डरलाइन एसिड. याद करिएगा पुरानी बात, रोडियम इज अ बॉर्डरलाइन एसिड, एक सीमावर्ती अम्ल होता है. क्यों? क्योंकि कोबाल्ट के नीचे कोबाल्ट इरिडियम रोडियम कोबाल्ट रोडियम एंड इरिडियम है ना, इस तरह से ग्रुप में आते है ना, मैं आपको बताया था ना. तो आप देखेंगे कि ग्रुप में सिंस द साइज इंक्रीजेस एंड इफ द साइज इंक्रीजेस देन द सॉफ्टनेस ऑल्सो इंक्रीजेस. गॉट इट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विच वी हैव डन एंड इन दिस पार्ट हमने सारे वही क्वेश्चंस लिए. क्या एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस कि क्यों कुछ कंपाउंड स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल है. और द बेसिक लॉजिक इज दिस वन, हार्ड हार्ड के साथ बना हुआ स्टेबल होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बना हुआ स्टेबल होगा राइट. लेकिन हार्ड एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ और सॉफ्ट बेस का हार्ड एसिड के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी अनस्टेबल. गॉट इट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके नाउ कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन. वो भी मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा रही हूं ताकि हमारे सभी तरह के क्वेश्चन कवर अप हो जाए. देखिए एक्सप्लेन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स. यानी जो हेलोजन अम्ल होते हैं उनकी प्रबलता को समझाइए ऑन द बेसिस ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल, एच एस ए बी सिद्धांत के अनुसार. ओके आपको पता है हमारे हेलोजन एसिड कौन से, एच आई एच बी आर एच सी एल एंड एच एफ. गॉट इट. याद करिएगा विच वन इज मोस्ट स्टेबल बताइए. सिंस एच प्लस इज अ हार्ड एसिड, फ्लोराइड माइनस इज अ हार्ड बेस, सो एच एफ इज मोस्ट स्टेबल. गॉट इट. और ध्यान से सुनेगा, बात रिवर्स करूंगी. कैसे? जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा टूटेगा नहीं.
गॉट इट? अगर नहीं टूटेगा तो वो एच आई एन कैसे देगा बताइए? नहीं दे सकता। इसका मतलब सबसे अनस्टेबल फॉर्म, बोलिए, एच आई इज द मोस्ट अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज एच प्लस इज अ हार्ड एसिड बट आयोडाइड इज अ सॉफ्ट बेस, और इसी वजह से ये आराम से ब्रेकअप हो जाएगा, और जब हम इसको वॉटर में डालेंगे तो ये आराम से अपना एच आई दे देगा। इस तरह से देखिए, हाइड्रोनियम आयन और आयोडाइड। और यही कारण है कि अगर हम एसिड स्ट्रेंथ देखें तो एच आई सबसे प्रबल अम्ल है। एसिड स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो एच आई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। गॉट इट? समझ में आई आपको पॉइंट? राइट। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल। राइट, राइट डाउन द थर्ड एप्लीकेशन, लिखिए जरा अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सप्लेन व्हाई, समझाइए क्यों लिथियम फ्लोराइड इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। लिथियम फ्लोराइड आसानी से जल अपघटित नहीं होता, व्हेयरएज लिथियम आयोडाइड इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। जबकि जो लिथियम आयोडाइड है वो आसानी से जल अपघटित हो जाता है। अब तो आपको बात को पकड़ हो गई होगी, हो गई ना? क्या कि लिथियम और फ्लोराइड हार्ड एसिड, हार्ड बेस से मिलके बने हैं और इसीलिए स्टेबल है, और जो स्टेबल होगा वो आसानी से जल अपघटित नहीं होगा। राइट, लेकिन लिथियम आयोडाइड इज अ कॉम्बिनेशन विच इज मेड अप फ्रॉम अ हार्ड एसिड एंड अ सॉफ्ट बेस, सो दिस कॉम्बिनेशन इज अनस्टेबल एंड गेट इजीली हाइड्रोलाइज टू गिव लिथियम हाइड्रोक्साइड। आ गया ना समझ में? क्योंकि अनस्टेबल है, आसानी से जल अपघटित हो जाता है और इस तरह से लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। गॉट इट? सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल। ओके, नाउ राइट डाउन द फोर्थ एप्लीकेशन अगेन द क्वेश्चन फॉर्म है ना, चाहो तो आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखो एक्सप्लेन व्हाई, समझाइए क्यों व्हाई द ओर्स ऑफ हार्ड एसिड आर इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट एंड ऑक्साइड। समझाइए क्यों कि जो कठोर अम्ल होते हैं उनके जो अयस्क होते हैं वो प्रकृति में कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, वेयर एज जबकि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, मृदु अम्ल होते हैं, उनके अयस्क प्रकृति में जनरली सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। गॉट इट? एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या फिर से रिपीट करती हूं कि जो कठोर अम्ल होते हैं वो प्रकृति में कार्बोनेट और उनके ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जो मृदु अम्ल होते हैं उनके ओर प्रकृति में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। राइट, ये क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी घूम के आ सकता है। राइट, तो अब मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगी, देखिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सो ये सारे क्या है बताइए? हार्ड एसिड है ना, मैग्नीशियम प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, ऑल आर हार्ड एसिड, सारे कठोर अम्ल है। और ध्यान से देखिएगा, कार्बोनेट और ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन डोनर आइटम है, हार्ड होगा, और कार्बोनेट में ये मत सोचिएगा कि कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा कार्बोनेट में बॉन्डिंग कार्बन से नहीं होती है, इट इज टू ऑक्सीजन। इस तरह से देखिए, ऑक्सीजन से मेटल की बॉन्डिंग होगी इस तरह से, है ना, यो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन वाली साइड क्या हुई? हार्ड बेस हुई है ना, और यही रीजन है कि प्रकृति में हार्ड एसिड अपने हार्ड बेसेस जैसे कार्बोनेट और ऑक्साइड के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, नाउ सिमिलरली यू सी दीज कॉम्बिनेशंस,
दिस वन जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, मर्करी सल्फाइड के फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में। देखिए अब ध्यान से देखिएगा क्या है, जिंक प्लस टू, मर्करी प्लस टू, कॉपर प्लस वन, सिल्वर प्लस वन, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट एसिड। याद आया, बोलिए हमने कैसे लिखा था, सॉफ्ट एसिड वो जो कि ट्रांजिशन सीरीज में बाद में आ रहा हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो और जो आसानी से ध्रुवित हो जाए, गॉट इट। और ये सारे सॉफ्ट एसिड है, एंड सल्फाइड जो है वो भी आपका एक सॉफ्ट बेस है। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है उसका आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है, वो आसानी से ध्रुवित हो जाता है, गॉट इट। और यही कारण है कि प्रकृति में ये इन अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, गॉट इट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी फॉर्म में आए, आप उसको आराम से समझा सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू अवर फिफ्थ एप्लीकेशन। अगेन सिमिलर इन द क्वेश्चन फॉर्म, राइट डाउन, एक्सप्लेन व्हाई, समझाइए क्यों प्लैटिनम पैलेडियम मेटल्स गेट पॉइजन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सॉफ्ट लिगेंड। क्या वर्ड बोला, ध्यान से सुनिएगा, प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट गेट पॉइजन्ड, विषाक्त हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स लाइक ऑलिफेन्स। ऑलिफेन्स यानी डबल बॉन्ड वाले, है ना, आर्सेनिक डोनर एटम, फॉस्फोरस डोनर एटम, कार्बोनाइल लिगेंड। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या वर्ड बोला मैंने कि पैलेडियम और प्लैटिनम तो कैटलिस्ट होते हैं, दे आर गुड कैटलिस्ट, राइट। लेकिन अगर हम इनकी प्रेजेंस में ये लिगेंड डाल दें, जैसे डबल बॉन्ड वाले ऑलिफेन्स, फॉस्फोरस डोनर आइटम वाले लिगेंड, आर्सेनिक डोनर आइटम वाले लिगेंड या कार्बोनाइल, तो वो विषाक्त हो जाते हैं, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे करके बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, कैटलिस्ट है क्या, कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता और वो वापस से ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाता है। उसका काम ये होता है कि वो रिएक्टेंट को पास में ला करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, राइट। तो अगर सपोज मैं आपको ले लूं पैलेडियम मेटल, देखिएगा ध्यान से देखिए, ये मैंने ले लिया पैलेडियम, और इसको नोट करिए कि मैं किस तरह से बना रही हूं। देखा आपने, क्या नोट करेंगे आप बताइए, कि जो अंदर वाली पैलेडियम है ना, उसकी तो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। देखो आप ध्यान से, ये पैलेडियम है ना, इसकी सारी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है ना, मतलब उसके पास फ्री वैलेंसी नहीं है, राइट। लेकिन जो सरफेस की पैलेडियम है उनके पास में फ्री वैलेंसी है। देखो मैं लिख रही हूं वर्ड फ्री वैलेंसी, यानी इनके पास में मुक्त संयोजकता पाई जाती है, राइट। अब क्या होगा कि सपोज जैसे मुझे रिएक्शन करवानी हो ए और बी के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो वो सॉल्यूशन में दूर दूर रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट रखा तो व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म बॉन्ड विद दीस पैलेडियम फ्री वैलेंसीज, ओके। दोनों पास पास आ गए, दोनों की रिएक्शन हुई, आपका कैटलिस्ट तो फ्री हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, ए बी, है ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्टेंट को पास लाकर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, प्रोडक्ट को बनाना, गॉट इट। तो आप यहां क्या नोट करेंगे कि हम ये भी वर्ड यूज करते हैं कि जितना फाइनली डिवाइडेड, जितना फाइनली पाउडर हम कैटलिस्ट लेंगे, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जितना फाइनली डिवाइडेड वो होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसमें फ्री वैलेंसी होगी, गॉट इट। और यही रीजन है कि हमारा कैटलिस्ट आराम से उसको खूब वैलेंसी प्रोवाइड कर देता है, राइट। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इस तरह के लिगेंड प्रेजेंट है तो हमारा कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है, वो विषाक्त हो जाता है। विषाक्त होने से मेरा मतलब है कि वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता। तो इसका कारण आप समझिएगा, ध्यान से देखिए, क्या पैलेडियम एंड प्लैटिनम आर सॉफ्ट एसिड्स, याद कर लिया है ना। क्यों? क्योंकि डी ग्रुप की है, इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, आराम से ध्रुवित होती है और इसीलिए ये मृदु अम्ल है, गॉट इट। जबकि ऑलिफिन्स डबल बॉन्ड वाले, फॉस्फोरस आर्सेनिक
और जिसमें कार्बोनाइल में कार्बन डोनर एटम है, ऑल आर सॉफ्ट बेसिस। गॉट इट? ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट बेसिस है। और आप समझ गए क्या कि जब भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के पास आएगा तो उससे बना हुआ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब वो स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा तो वापस उससे फ्री नहीं होगा, और जब फ्री नहीं होगा तो ये फ्री वैलेंसी खत्म हो जाएगी, और जब फ्री वैलेंसी खत्म होगी तो वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा। गॉट इट? फिर से अपनी बात को वापस सम अप करती हूं क्या कि ये कैटलिस्ट सॉफ्ट है, वो इन सॉफ्ट लिगेंड के साथ मजबूत बंध बनाते हैं, और उससे उनकी जो फ्री वैलेंसी होती है जो कि रिएक्टेंट को स्पेस प्रोवाइड करती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट आपका क्या हो गया, विषाक्त हो गया। गॉट इट? तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इन द क्वेश्चन फॉर्म, एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय, समझाइए क्यों सिल्वर फ्लोराइड इज यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ एल्कली आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड इज यूज्ड टू एक्सचेंज क्लोराइड फ्रॉम एल्कली क्लोराइड। देखो दोबारा से समझने की कोशिश करोगे तब क्या आएगा, पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ फिर हम इसको दोबारा समझेंगे, है ना? मैं लिख दूं इक्वेशन तो आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारा फोकस ही क्या है, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए आया समझ में, क्या समझ में आया कि अगर हमें किसी एल्कली आयोडाइड में फ्लोराइड डालना है तो हम सिल्वर सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि सिल्वर प्लस एक सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड एक हार्ड बेस है, सो इट इज अनस्टेबल, यह अस्थाई होता है और आराम से अपनी फ्लोरीन को किसको दे देगा, इसको एल्कली आयोडाइड को दे देगा, और इस तरह से बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड और स्टेबल बन जाएगा हमारा सिल्वर आयोडाइड। बोलो समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलके बन रहा है। गॉट इट? इन द सेम वे हम ये देखेंगे कि जो सोडियम और आयोडाइड है इनमें हम कंपेरिजन करें तो आयोडाइड इज अ सॉफ्ट बेस, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये हार्ड बेस हुआ तो ये अनस्टेबल है, सोडियम आयोडाइड कम स्थाई है, आराम से इसका एक्सचेंज होगा, और आप क्या देखेंगे, हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। और ये रीजन है कि अगर हमें एल्कली क्लोराइड से क्लोरीन का एक्सचेंज करना हो तो हम सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं और क्लोरीन की जगह आयोडाइड आराम से आ जाती है। गॉट इट? देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एचएसीबी प्रिंसिपल, निम्नलिखित असमानुपातन अभिक्रियाओं को कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर समझाएंगे। तो लिखिए क्या वर्ड बोला मैंने, वापस से नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एचएसीबी प्रिंसिपल, निम्नलिखित असमानुपातन अभिक्रियाओं को एचएसीबी सिद्धांत से समझाएंगे। तो CH2F2 देखिएगा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के देंगे CH4 and CF4। आप समझ गए क्यों? क्योंकि हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ। इसी तरह से CH2O के दो मॉलिक्यूल देंगे CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से CF3I CH4F आपस में कंबाइन करके देंगे CF4 and CH3I। ठीक है, बोलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि हार्ड हार्ड के साथ, है ना, हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट के साथ कंबाइन करता है ना। तो अगर इस तरह की कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आए तो उसे आप आराम से समझा दीजिएगा। ओके? एंड द